हेलो एवरीवन मैं हूं हूषता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवीएस पीजीटी कॉमर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पार्ट थर्ड आप हमारे लेक्चर्स के फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या आप इस क्यू कोड को स्कैन करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है द चार्टर ऑफ अ कंपनी इज ऑप्शन है स्टेटमेंट इन ली ऑफ प्रोस्पेक्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या प्रोस्पेक्टस तो चार्टर ऑफ कंपनी होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये डिफाइन करता है लिमिटेशंस ऑफ पावर ऑफ द कंपनी इसे डॉक्ट्रीन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट भी कहते हैं क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइन करता है कंपनी के रिलेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड और कंपनी की जो ये पावर की लिमिटेशन है कंपनी इसके बियॉन्ड नहीं जाती है ट मीनस कोई एक्ट इसके बियॉन्ड या इसके आउटसाइड परफॉर्म नहीं किया जाता है इसमें कई सारे क्लॉज हैं जैसे नेम क्लॉज ऑब्जेक्ट क्लॉज कैपिटल क्लॉज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज लाइबिलिटी क्लॉज एंड असोसिएशन क्लॉज इसके अलावा बाकी ऑप्शन अगर हम देखें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसको डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बोलते हैं आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन डिफाइन करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस ये डिफाइन करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इंटरनल मैनेजमेंट इसकी डेफिनेशन सेक्शन टू सबसेक्शन फाइव में दी गई है कंपनीज एक्ट टू की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना कंपनीज के लिए कंपलसरी होता है रजिस्ट्रेशन के समय उनके पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन के केस में प्राइवेट कंपनीज के लिए अपना खुद का आर्टिकल्स बनाना कंपलसरी है लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है तो वो खुद का आर्टिकल बना सकती है नहीं तो वो टेबल एफ़ को फॉलो कर सकती है टेबल एफ़ है फॉर कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स नेक्स्ट है प्रोस्पेक्ट जो कंपनीज पब्लिक को शेयर्स इशू करती हैं वो प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं दैट मीन्स वो इनविटेशन देती हैं टू द पब्लिक फॉर सब्सक्राइबिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी और प्राइवेट कंपनीज को प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं होती है प्रोस्पेक्टस बेसिकली क्या है कि इनविटेशन है कंपनी के द्वारा टू द पब्लिक कि वो उनके शेयर्स को या डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करें यानी उनको खरीदें नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस अगर कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर रही है तो वो उसके प्लेस में स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार के पास फाइल करती है रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस को फाइल किया जाता है अगर कोई कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर रही है फॉर पब्लिक इन्विटेशन ऑफ शेयर्स ये भी प्रोस्पेक्टस की तरह ही होता है लेकिन इस कंपनी से एसोसिएटेड ब्रीफ इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी हुई होती है स्टेटमेंट इन ली ऑफ प्रोस्पेक्टस दो केसेस में फाइल किया जाता है या तो पब्लिक सब्सक्रिप्शन न किया जा रहा हो पब्लिक इन्विटेशन ना किया जा रहा हो शेयर के लिए या फिर अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव ना हुई हो अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुई है उस केस में भी स्टेटमेंट इन ली ऑफ प्रोस्पेक्टस को फाइल किया जाता है तो हमारा क्वेश्चन था कि चार्टर ऑफ अ कंपनी क्या होता है यहां पर आंसर बी होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेस पहला है ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज दूसरा है एडवांस टेक्नोलॉजी थर्ड है प्रोडक्ट इनोवेशन और फोर्थ है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग रीजनल बैलेंस तो सबसे पहले ग्लोबल इंटरप्राइज या मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं तो मल्टीनेशनल कंपनीज या ग्लोबल इंटरप्राइजेज ये वो कंपनीज़ या इंटरप्राइजेज होती हैं जिनका हेडक्वाटर किसी एक कंट्री में होता है और जिस कंट्री में इनका हेड क्वार्टर होता है उसे हम होम कंट्री कहते हैं और इनकी मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं वेरियस अदर कंट्रीज़ में जिन्हें हम होस्ट कंट्रीज कहते हैं इनमें से कौन सा फीचर नहीं है तो सबसे पहला हम देख लेते हैं ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज ये ग्लोबल इंटरप्राइजेज का फीचर है जो ग्लोबल इंटरप्राइजेज हैं इनके पास ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज होती हैं क्योंकि उनके पास अलग अलग सोर्सेज से फिनेंस रेज करने की एबिलिटी होती है बाय इशूइंग शेयर्स डिबेंचर्स एक्सेट्रा ये कैपिटल ज़्यादा रेज कर पाते हैं और अलग अलग इन्वेस्टर्स जो होते हैं होस्ट कंट्री में वो इन कंपनीज में हमेशा इन्वेस्ट करना चाहते हैं ड्यू टू देयर क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट या इनकी गुडविल की वजह से इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते दूसरा ऑप्शन है एडवांस टेक्नोलॉजी तो ये भी ग्लोबल इंटरप्राइजेस का फीचर है इन इंटरप्राइजेस के पास एडवांस टेक्नोलॉजी होती है चाहे प्रोडक्शन हो चाहे मार्केटिंग हो किसी भी फील्ड में हो इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जिसके थ्रू ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स बनाते हैं और इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है प्रोडक्ट्स की डू टू तो एडवांस टेक्नोलॉजी थर्ड ऑप्शन है प्रोडक्ट इनोवेशन तो ये भी ग्लोबल इंटरप्राइज का फीचर है ग्लोबल इंटरप्राइज़ का रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है और इनके पास बहुत अच्छी टीम होती है जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं और नए नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी ये इनोवेशनस करते हैं इनको न्यू अट्रैक्टिव लुक देते हैं या नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इनोवेशन लाते हैं फोर्थ ऑप्शन है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग रीजनल बैलेंस ये ग्लोबल इंटरप्राइज का फीचर नहीं है तो ऑप्शन डी यहां सही होगा रीजनल बैलेंस क्रिएट करना इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मल्टी नेशनल कंपनीज तो यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्चुअल नेम ऑफ वर्ल्ड बैंक इज इंटरनेशनल बैंक इंटरनेशनल बैंक फॉर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट इंटरनेशनल बैंक फॉर डेवलपमेंट या इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट तो एक्चुअल नेम वर्ल्ड बैंक का यहाँ पर ऑप्शन डी है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं आई बी आर डी आई बी आर डी स्टेब्लिश हुआ था जुलाई नाइनटीन फोर्टी फोर में इसके साथ साथ एक और इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश की गई थी आई एम एफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन दोनों ही इंस्टीट्यूशंस को बनाने का डिसीजन लिया गया था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में इसीलिए इन्हें ब्रेटन वुड ट्विंस और सिस्टर इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है अभी हम अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो वर्ल्ड बैंक जो है ये बेसिकली दो इंस्टीट्यूशन से बना है पहला है आई और दूसरा है आई करंट में आई में 189 मेंबर्स हैं और आई में 174 मेंबर्स हैं इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को साथ में हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक ग्रुप की तो इसमें टोटल फाइव मेंबर्स हैं आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, डी मीगा और आईसीएसआईडी। ये पांच मेंबर्स हैं जो मिलकर के वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाते हैं आई यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आई डी ए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आई एफ सी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन मीगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी और आई सी एस आई डी द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ये पाँचों इंस्टीट्यूशनस मिलकर वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाती हैं वर्ल्ड बैंक का हेडकोर्टर है वॉशिंगटन डी सी में और इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए टू द डेवलपिंग कंट्रीज नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटल ब्रीडिंग फार्म्स पोल्ट्री फार्म्स एंड फिश हैचरी कम्स अंडर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री सेकेंडरी इंडस्ट्री जेनेटिक इंडस्ट्री या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कैटल ब्रीडिंग फार्म्स पोल्ट्री फार्म्स फिश हैचरी ये सब जेनेटिक इंडस्ट्रीज का पार्ट है तो यहां ऑप्शन सी करेक्ट होगा जेनेटिक इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज तीन तरीके की होती हैं पहली आपकी प्राइमरी दूसरी है सेकेंडरी और थर्ड है टर्डशरी या जिसे हम सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज कंसर्न विद एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीशीज इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीशीज आता है ये आपको दो तरीके की होती हैं एक्सट्रैक्टिव और दूसरी होती है जेनेटिक तो जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होता है जैसे अर्थ से मिनरल्स को निकालना तो ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का पार्ट है वहीं अगर हम कैटल बियरिंग रियरिंग करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म बर्ड्स हो प्लांट्स हो एनिमल्स हो इसको हम जेनेटिक इंडस्ट्री बोलते हैं दूसरी है सेकेंडरी इंडस्ट्री सेकेंडरी इंडस्ट्री का मतलब होता है कि जो प्राइमरी इंडस्ट्री से एक्सट्रैक्टेड मटेरियल है उसका यूज करके फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना यूजिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम प्राइमरी इंडस्ट्री एंड प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड गुड्स ये होती है आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री सेकेंडरी इंडस्ट्री भी दो तरीके की है पहली है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी है कंस्ट्रक्शन तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब है ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फाइनल गुड्स बनाती हैं यानी ये इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं ये क्रिएट करती हैं फॉर्म यूटिलिटी बाय कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ जो है ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ही वन ऑफ दी पार्ट है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मतलब है कि रॉ मटेरियल को वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन से होते हुए फाइनल गुड्स बनाना या फाइनल गुड्स मैन्युफैक्चर करना जैसे कि शुगर इंडस्ट्री हो सकती हैं या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोलते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ऐसे इंडस्ट्रीज जो कि कंस्ट्रक्शन में इंडलज़ होती हैं जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना रोड डैम्स ये सब कंस्ट्रक्ट करने का काम करती हैं उन्हें हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ कहते हैं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज होती हैं ये मैनुफेक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि सीमेंट हो गया या स्टील हो गया इन सब का यूज़ करके कंस्ट्रक्शन करती हैं तो हमारा क्वेश्चन था कैटल ब्रीडिंग फार्म्स पोल्ट्री फार्म्स फिश हैचरी ये किस इंडस्ट्री में आते हैं तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जेनेटिक इंडस्ट्रीज नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल गवर्निंग इंश्योरेंस प्रॉफिट इंडेमनिटी कॉज अप्रोक्सिमा या एटमोस्ट गुड फेथ तो इनमें से कौन सा प्रिंसिपल इंश्योरेंस का नहीं है तो ऑप्शन ए यहां करेक्ट होगा प्रॉफिट ये इंश्योरेंस का प्रिंसिपल नहीं है सबसे पहले अगर हम बात करें कि इंश्योरेंस क्या होता है तो इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड मतलब वो पर्सन या फर्म जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योर्ड होता है उसको कंपनसेशन देती है उसका लॉस का और जो इंश्योर्ड होता है बदले में प्रीमियम का पेमेंट करता है टू द इंश्योरेंस कंपनी अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये कहता है कि इंश्योरेंस प्रॉफिट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस का पर्पस है कि जो इंश्योर्ड है उसको सेम फिनेशियल पोजीशन में लेकर के आया जाए सेम फिनेंशियल पोजीशन में लेकर के आया जाए जिस पोजीशन में वो था बिफोर लॉस फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए किसी पर्सन की दो लाख रुपए की पॉलिसी है उसका लॉस होता है एक लाख रुपए का तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पूरा दो लाख पॉलिसी का अमाउंट नहीं देगी बल्कि सिर्फ वन लाख देगी जितना उसका लॉस हुआ है क्योंकि यहाँ प्रॉफिट कमाने के लिए इंश्योरेंस नहीं होता बल्कि इंश्योरेंस इसलिए लिया जाता है ताकि जो इंश्योर्ड है उसको सेम फाइनेंशियल पोजिशन में पहुँचाया जा सके जैसा कि वो था बिफोर दी लॉस नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉज अप्रोक्सीमा प्रिंसिपल ऑफ कॉज अप्रॉक्सिमा का मतलब होता है कि कॉज या रीज़न जो है लॉस का वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट मैटर से एसोसिएटेड होना चाहिए यानी कॉन्ट्रैक्ट में जो सब्जेक्ट मैटर दिया है जो भी रीज़न हो रहा है लॉस का वो उसी से एसोसिएटेड होना चाहिए अगर नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे देने से मना कर सकती है नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ ये कहता है कि जो इंश्योरेंस है ये फेथ का कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरर और इंश्योर्ड को दोनों को ही इंश्योरेंस पॉलिसी से एसोसिएटेड जो भी मटेरियल फैक्ट्स है वो एक दूसरे को डिस्क्लोज करना चाहिए कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए बाद में अगर इंश्योरेंस कंपनी को पता चल गया कि आपने कोई बात छुपाई है और उस रीज़न की वजह से अगर आपको कोई नुकसान होता है तो बाद में कंपनी पैसे देने से मना कर सकती है जैसे कोई पर्सन अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है और ये बात हाइड करता है कि वो हार्ट का पेशेंट है और बाद में हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो जाती है तो अगर इंश्योरेंस कंपनी को पता चलता है कि उन्होंने ये बात छुपाई थी तो वो पैसा देने से मना कर सकती है यानी दोनों ही पार्टीज को इंश्योरेंस पॉलिसी से एसोसिएटेड कोई भी बात छुपानी नहीं है एक दूसरे को पूरे मटीरियल फैक्ट्स बताने हैं डिस्क्लोजर ऑफ मटीरियल फैक्ट्स यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लाइफ इंश्योरेंस पर अप्लाई नहीं होता है कि लाइफ इंश्योरेंस में हम इस बात का एस्टिमेशन नहीं कर सकते कि अगर एक पर्सन की डेथ होती है तो उसकी वजह से कितना लॉस होगा तो इनडेमिटी का जो प्रिंसिपल है ये लाइफ इंश्योरेंस पर अप्लाई नहीं होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर नॉट अ रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ प्रॉफिट अर्निंग कैपेबलिटीज़ चेकिंग ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड एक्सपैंडिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा डेवलपमेंट ऑफ प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटीज़ ये जो पब्लिक सेक्टर है इसका रोल नहीं है इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ये पब्लिक सेक्टर का रोल है पब्लिक सेक्टर के पास जो भी इनकम आती है वो उसका यूज़ करती है इन्फ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जैसे कि रोड्स वगैरह हो गए स्कूल्स हो गए कॉलेजेस हो गए हॉस्पिटल्स हो गए इन सब को डेवलप करने के लिए वो वर्क करती है ताकि जो हमारी कंट्री में रहने वाले लोग हैं उनको बेनिफिट मिल सके नेक्स्ट चेकिंग ओवर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर देखिए इकोनॉमिक पावर का ओवर कंसंट्रेशन होना यानी कि किसी एक पर्सन के पास या सम ऑफ दी पर्सनस कुछ लोगों के पास पावर होना उन्हीं के पास सिर्फ पावर होना ये सही नहीं होता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर कुछ ही लोगों के हाथ में पावर होगी तो वो अपने बेनिफिट के लिए उस पावर का इस्तेमाल करेंगे जिसकी वजह से इकोनॉमी को काफ़ी लॉस होता है और जिन लोगों तक जो चीजें पहुंचनी चाहिए वो वहां तक नहीं पहुंचती है इसलिए पब्लिक सेक्टर इस बात का ध्यान रखता है कि कहीं भी इकोनॉमिक पावर का ओवर कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए नेक्स्ट एक्सपैंडिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाती है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाया जाए ताकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आए प्लस इंटरनेशनल मार्केट में हमारी वैल्यू बढ़े तो इस रीजन से एक्सपोर्ट्स को एक्सपैंड करने की कोशिश की जाती है वहीं इम्पोर्ट्स को रिड्यूस किया जाता है तो ये भी वन ऑफ दी रोल है पब्लिक सेक्टर का लेकिन प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना ये पब्लिक सेक्टर का रोल नहीं है क्योंकि पब्लिक सेक्टर बेसिकली क्या करती है पब्लिक की सर्विस के लिए काम करती है ना कि प्रॉफिट मोटिव से तो प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना या उसका डेवलपमेंट करना ये रोल नहीं है पब्लिक सेक्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज नॉट यूज टू एक्सप्लेन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स प्रोवाइड फीडबैक अबाउट द प्रोग्रेस टूवर्ड गोल्स पॉइंट आउट प्रॉब्लम दैट नीड अटेंशन या असाइन गोल्स तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब है टॉप लेवल से जो लोअर लेवल है वहां तक ये आपका एक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है टॉप लेवल टू लोअर लेवल अब टॉप लेवल से अगर लोअर लेवल तक कम्युनिकेशन की जा रही है तो वो किन किन परपज़ेस से की जाएगी तो पहला सही है कि पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स को एक्सप्लेन करने के लिए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है इसके अलावा ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें अटेंशन देने की ज़रूरत है उनको भी पॉइंट आउट किया जा सकता है थ्रू डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और गोल्स या वर्क को असाइन करने के लिए कि कौन सा पर्सन क्या काम करेगा क्या गोल है उसको बताने के लिए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है लेकिन चूंकि ये डाउनवर्ड है दैट मीन्स टॉप लेवल से लोअर लेवल तक जा रही है इस टाइप में या इस वे में फीडबैक देना पॉसिबल नहीं है तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा प्रोवाइडिंग फीडबैक अबाउट द प्रोग्रेस टुवर्ड्स गोल ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन से पॉसिबल नहीं है क्योंकि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है सुपीरियर से सबऑर्डिनेट्स के पास जा रही है सुपीरियर से सबऑर्डिनेट्स की तरफ जा रही है तो यहाँ पर गोल्स को असाइन करना प्लान्स और पॉलिसीज को समझाना और प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट करना ये सब पॉसिबल होता है तो अगर फीडबैक प्रोवाइड करना है तो ये कौन सा कम्युनिकेशन होगा अपवर्ड कम्युनिकेशन जब अपवर्ड कम्युनिकेशन होगा यानी जो सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ जाएगा उस केस में फीडबैक प्रोवाइड किया जा सकता है यानी उस चैनल के थ्रू फीडबैक्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं तो यहां ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन से फीडबैक प्रोवाइड नहीं किया जा सकता फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू द सुपीरियर और लोअर लेवल टू द टॉप लेवल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू एफडब्ल्यू टेलर प्रोस्पैरिटी फॉर द एम्प्लॉयर कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम अनलेस इट इज अकमनीड बाय द प्रोस्पैरिटी ऑफ एम्प्लॉय ये कौन से साइंटिफिक प्रिंसिपल से एसोसिएटेड है पहला है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हेज हर ग्रेटेस्ट एफिशियंसी एंड प्रोस्पैरिटी थर्ड है साइंस नॉट रूल ऑफ थम और फोर्थ है हारमोनी नॉट डिस्कॉड सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया है एफ डब्ल्यू टेलर ने इनको हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है कि किसी भी काम को हम साइंटिफिक टूल्स या मेथड्स के थ्रू करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट बढ़ा सकें टेलर ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की सबसे पहला ऑप्शन है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म इसमें टेलर कहते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल कॉन्फिडेंस के साथ म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ कोई भी वर्क ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए वर्कर्स और मैनेजर्स में कोऑपरेशन होना चाहिए विदाउट कोऑपरेशन वर्क को करना पॉसिबल नहीं है हर कोई अगर अपने बारे में सोचेगा तो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना पॉसिबल नहीं होगा और जो गोल है हम उसे अचीव नहीं कर पाएंगे इसलिए सबको अपने बारे में सिर्फ सोचने के बजाय ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करना साथ मिलके कॉपरेशन के साथ काम करना है ताकि जो टारगेट है या गोल है उसको अचीव किया जा सके तो अगर वर्कर्स को हम चाहते हैं कि वो कॉपरेशन के साथ काम करें तो जो भी स्टैंडर्ड सेट किए जा रहे हैं उसमें मैनेजमेंट को वर्कर्स से भी बातचीत करनी चाहिए वर्कर्स के भी सजेशन लेने चाहिए उसके बाद डिसीजंस लेना चाहिए ताकि वर्कर्स को भी ये लगेगा कि कोई डिसीज़न अगर लिया गया है तो उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के लिया गया है या उनसे कंसल्ट करके लिया गया है तो वो ज़्यादा बेटर वर्क कर पाते हैं दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ़ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पैरिटी ये भी वन ऑफ द प्रिंसिपल है क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री की एफिशिएंसी डिपेंड करती है उसके वर्कर्स पे तो वर्कर्स की को कोम्प्रूव करने के लिए उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और जो भी वर्क उनको असाइन किया जा रहा है वो एज पर क्वालिफिकेशन होना चाहिए इससे उनकी डेवलपमेंट होती है और ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंटली वो वर्क कर पाते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब यानी टेलर कहते हैं कि कोई भी वर्क जो किया जा रहा है वो थ्रू साइंटिफिक इंक्वायरी होना चाहिए साइंटिफिक इंक्वायरी या साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू होना चाहिए ना कि इंट्यूशन के बेस पर या हिट एंड ट्रायल मेथड के बेस पर जो भी जॉब परफॉर्म किया जाए वो साइंटिफिक इंक्वायरी या साइंटिफिक टूल्स और मेथड्स के थ्रू होना चाहिए ना कि इंट्यूशन या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड्स के बेस पर जो भी डिसीजंस लिए जाए वो सोच समझ के लिए जाए साइंटिफिक इंक्वायरी के थ्रू लिए जाए क्या उनका इफेक्ट पड़ेगा वो देख करके डिसीजंस लिए जाएं उसी बेस पर मेथड्स को सिलेक्ट किया जाए प्रोडक्शन करने के लिए या बाकी जॉब परफॉर्म करने के लिए इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है नेक्स्ट है हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब है कि जो भी वर्कर्स हैं जो भी मैनेजमेंट है उनको एक साथ मिलकर के काम करना चाहिए म्यूचुअल गिव एंड टेक या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पर काम करना चाहिए टेलर इंसिस्ट करते हैं कि दोनों ही ग्रुप्स जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर्स हैं उनमें हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को हटा करके उनको एक दूसरे की तरफ अपने एटीट्यूड को बदलना चाहिए तो टेलर फील करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉस्पैरिटी हो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े तो इसके लिए ज़रूरी है कि एम्प्लॉयर्स की भी प्रॉस्पैरिटी हो एम्प्लॉयर्स भी आगे बढ़ें साथ ही साथ जो इम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी प्रोस्पैरिटी हो उनको भी बेनिफिट हो उनकी भी एफिशिएंसी इंक्रीज हो और वो भी आगे बढ़े तो हमारा क्वेश्चन था कि प्रोस्पैरिटी फॉर द एम्प्लॉयर कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम अनलेस इट इज अकंपनीड बाय प्रोस्पैरिटी ऑफ एम्प्लॉयज ये किस प्रिंसिपल के बेस पर कहा गया है तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया वॉज सेटअप इन एटीन सेवन एक्ट टोक्यो शंघाई बीजिंग या मुंबई तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट होगा मुंबई सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज एशिया का है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये सेटअप किया गया था नाइन्थ जुलाई 1875 को ये ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है एशिया का इसका हेडक्वार्टर है आपका दलाल स्ट्रीट मुंबई और ये स्टार्ट किया गया था बाय प्रेमचंद रॉयचंद तो एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज सेटअप किया गया था 1875 में मुंबई में जो कि है बी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट पहला है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव मैनेजमेंट इज डायमेंशनल मैनेजमेंट इज टेंजिबल फोर्स या मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी मैनेजमेंट क्या है एक प्रोसेस है यानी इसमें सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व है यानी वेरियस फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं फ्रॉम प्लानिंग टू कंट्रोलिंग प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग मेन मोटिव क्या है गोल्स को अचीव करने के लिए लोगों से काम कराना इफेक्टिवली और इफ़िशेंटली इफेक्टिवली का मतलब क्या है सही टास्क करना सही समय पर गोल को अचीव करना ऐसी एक्टिविटीज़ करना जिससे हम गोल को अचीव कर सकें एफिशेंटली का मतलब क्या है मोर प्रोडक्शन या मोर आउटपुट विद लिमिटेड रिसोर्स लिमिटेड रिसोर्सिस का यूज करके मोर या बेटर आउटपुट जनरेट करना अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहला है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव का मतलब है कि, कि किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हो डिपार्टमेंट्स हो या डिफरेंट लेवल्स हो हर जगह मैनेजमेंट रहता है बिना मैनेजमेंट के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकती चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो या बड़ी हो प्रॉफिट मेकिंग हो नॉट प्रॉफिट मेकिंग हो हर जगह मैनेजमेंट रहेगा इसलिए मैनेजमेंट को कहा जाता है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज मल्टीडाइमेंशनल मतलब मैनेजमेंट में कोई सिंगल एक्टिविटी नहीं होती है ये मल्टी डायमेंशनल है इसमें मल्टी डायमेंशनल होने के कारण तीन तरीके की इसमें एक्टिविटीज होती हैं पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल और थर्ड है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं या टास्क हैं मैनेजमेंट उन गोल्स या टास्क को अकम्पलिश करने में या अचीव करने में हेल्प करता है मैनेजमेंट का जो मेन एम होता है वो होता है गोल्स को या जो टास्क है उनको अचीव करना नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ पीपल तो मैनेजमेंट का एम होता है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट बाहर निकल करके आए यानी स्ट्रेंथ से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करे इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं इनकी नीड्स का ध्यान दिया जाए इंडिविजुअली और कलेक्टिवली नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस ऑपरेशंस का मतलब होता है कि जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं जैसे प्रोडक्शन करने के लिए इनपुट्स को खरीदना गुड्स को प्रोड्यूस करना ये जो ऑपरेशंस होते हैं मैनेजमेंट क्या करता है कि जो वर्क है यानी गोल्स प्लस ह्यूमन रिसोर्सेज इनको मिक्स करके मैनेजमेंट बाय ऑपरेशंस करता है दैट मींस कौन सा काम कैसे करना है कब करना है और कौन उस वर्क को परफॉर्म करेगा थर्ड है मैनेजमेंट इज अ टेंजिबल फोर्स ये रॉन्ग है मैनेजमेंट टेंजिबल नहीं बल्कि एक इनटेंजिबल फोर्स है इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है मैनेजमेंट को हम फील कर सकते हैं जहां जहाँ बेटर वर्क हो रहा है एफिशिएंटली वर्क हो रहा है वहां आप फील कर सकते हो कि यहाँ पर बेटर मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल फोर्स है ना कि टेंजिबल फोर्स मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी मैनेजमेंट हमेशा ग्रुप में ग्रुप की बात करता है जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं वो ग्रुप में परफॉर्म की जाती हैं हर इंडिविजुअल या हर डिपार्टमेंट का अपना अपना रोल होता है तभी हम मैनेजमेंट फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं दैट मीन्स मैनेजमेंट इज नॉट पॉसिबल इन आइसोलेशन ये एक ग्रुप एक्टिविटी है ग्रुप एफर्ट्स की यहाँ पर जरूरत पड़ती है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी ये तीनों ही मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक हैं जबकि मैनेजमेंट इज अ टेंजिबल फोर्स ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है तो यहाँ पर पूछा गया था हमसे कि नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा मैनेजमेंट इज अ टेंजिबल फोर्स ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बल्कि मैनेजमेंट इज अ इनटेंजिबल फोर्स तो आज की इस वीडियो में हमने देखा केवीएस पीजीटी कॉमर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट थर्ड होपफुली ये चीजें आपको समझ में आई होंगी थैंक यू